हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखा क्रिएशन। तो फ्रेंड, आज का वीडियो हमारा पीको मशीन में है और हमेशा की तरह मैं वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें मशीन से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए। तो फ्रेंड, हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस जगह आज हम जानेंगे पीको हमारा बहुत ही लूज आ रहा है, ठीक है। तो आज की हमारी ये प्रॉब्लम है। वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा तो आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगी और ये न्यू बिगनर्स के लिए ये प्रॉब्लम खासकर होती है। तो इस जगह हमने कपड़ा लिया है और इस तरह से हम कपड़ा को फंसा लेंगे। सबसे पहले फंसाने के बाद मैं आपको इसमें पीको लगाकर दिखाती हूँ। तो देख रहे हैं पीको हमारी एकदम लूज लूज है और पीको भी हमारा सही नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसे किस तरह से ठीक करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। इस जगह हम सबसे पहले बॉबिन केस को बाहर निकाल लेते हैं। बॉबिन केस हमने बाहर निकाल दिया है। बॉबिन केस की डिब्बी हमने बाहर निकाल लिया है। बॉबिन केस में दो नट होती है, जो हमारी जो सिंपल मशीन आती है उसमें एक नट होती है, पर बॉबिन केस में दो नट होती है। तो आप सोच रहे होंगे किसे टाइट करना। छोटी वाली नट को हम टाइट नहीं करेंगे, पहले हम बड़ी वाली नट को टाइट करेंगे। उससे पहले मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ धागा हमारा किस तरह से बाहर निकल रहा है और कितनी स्पीड से निकल रहा है। देखिए, बहुत आसानी से निकल रहा है, देख रहे हैं। और ये धागा इसका वेट भी नहीं उठा पाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी वाले डिब्बी को निकालेंगे और नट को हम टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद हम चेक करेंगे, ये अभी भी टाइट नहीं हुई है। अब देखिए, ये पूरा परफेक्ट टाइट है। देख रहे हैं धागा बॉबिन केस का और छोटी वाली डिब्बी दोनों का वेट ये उठा पा रहा है। अब इसे हम लगा के और आपको पीको करके दिखाते हैं। धागा हमारा ऊपर आ गया है। अब मैं दूसरी साइड आपको पीको करके दिखाऊंगी। आपने देखा था ऊपर का जो हमारा पीको है बहुत ही लूज आ रहा था, ठीक है, और नीचे की जो थी ये एकदम परफेक्ट थी। तो फ्रेंड, जब अगर आपकी नीचे से प्रॉब्लम होती है ना बॉबिन केस से, तो ऊपर का आपका जो भी सिलाई है या पीको है वो खराब होगा, ठीक है। इसलिए हमने बॉबिन केस को ही सही किया है। हमारा नीचे से कुछ भी नहीं था कपड़े में प्रॉब्लम, इसलिए हमने बॉबिन केस को ठीक किया है। और अब देखिए, देख रहे हैं ये हमारी पीको। देखिए ऊपर का भी पीको एकदम जो लूज लूज पीको था, अब यहाँ इस जगह एकदम टाइट पीको है। और दोनों को देखिए आप, दोनों पीको को आप देख रहे हैं, दोनों पीको में आप फर्क देख रहे हैं। तो फ्रेंड, मैं उम्मीद करूंगी ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं मशीन की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।